गाइस ये देखो बालकनी से बाहर कितना अच्छा व्यू मिल रहा है। ओह गॉड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बजे है सुबह के 9 और आज मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस फटाफट नाश्ता करके निकल लेते हैं वैक्सीन लगाने, क्योंकि आज फाइनली किसी भी हालत में मुझे वैक्सीन लेनी है। भले स्वामी जी वैक्सीन ले या नहीं ले, बट मुझे तो वैक्सीन लेना ही है। और अभी बस मैं स्वामी जी के लिए नाश्ता बना रही थी, तो स्वामी जी के लिए हलवा रेडी है, तो चलिए देखते हैं आज स्वामी जी का नाश्ता क्या होने वाला है। गाइज़, स्वामी जी के लिए नाश्ता है, हलवा बनाया मैंने, और फटाफट खा लेते हैं और फटाफट निकल लेते हैं वैक्सीन लेने के लिए। गाइज़, फाइनली अभी मैं ऑटो में हूँ, स्वामी जी ने मुझे ऑटो में बिठा दिया है, और अभी मैं मामा के घर जा रही हूँ, क्योंकि आज फाइनली मुझे वैक्सीन लगानी है। तो स्वामी जी तो आज वैक्सीन नहीं लगाने वाले हैं, बिकॉज़ उन्हें कुछ ज़रूरी कामों की वजह से वो मुझे आज ड्रॉप करने भी नहीं आ सके। तो ऑटो लेकर मैं अभी मामा के घर जा रही हूँ, और अभी बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द मुझे वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वो भी मामा के घर जाके खाना खा के। गाइज, मैं ऑटो से उतर चुकी हूँ, और साई नर्सरी तक ही ऑटो वाले आपको छोड़ते हैं, और वहाँ से नज़दीक ही है तो पैदल जा रही हूँ। और मैं घर से निकली हूँ तो सिर्फ स्वामी जी को नाश्ता बना के ही निकली हूँ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया है अभी तक। अभी मामा के घर जाना है, फिर अच्छी तरह से नाश्ता वगैरह, मतलब खाना ही खाऊंगी मैं, क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले आपको पेट भर खा के जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने घर पे नाश्ता नहीं किया, सिर्फ स्वामी जी के लिए बनाया था, और स्वामी जी ने खा लिया है नाश्ता, और अब मैं घर जाके प्रॉपर खाना खाने वाली हूँ, और फिर सीधा वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे वैक्सीन लगाने। आई होप आज वो वायल का कोई प्रॉब्लम ना आए। गाइज, ये है हमारी कल की ग्रोसरी जो हमने शॉप की थी डी मार्ट से। गाइज, फाइनली मामा के घर पहुंच चुकी हूँ, अभी फटाफट से दी इडली बना रही है, जो कि मेरी फेवरेट है, मैं वो खाने वाली हूँ, और फिर लेकर पड़ते वैक्सीन के लिए। और बाबा जी के सी आप बाबा जी को देख सकते हैं, और बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं, और आज मैं वैक्सीन लेने जा रही हूँ। आज बाबा जी का डे है, मतलब गुरुवार है, और मैं बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो बाबा जी के दर्शन करते हुए जाएंगे, ताकि वैक्सीन लेने के बाद कोई भी तकलीफ ना हो। गाइस, ये रही इडली और कोकोनट की चटनी, मेथी की सब्जी और रोटी, और मेरा खाना खाकर हो चुका है, और अब फटाफट से चलते हैं वैक्सीन लगाने। गाइज, आप देख सकते हैं आज भी वैक्सीनेशन सेंटर को लॉक है, और अभी मेरी तीसरी या चौथी चक्कर है यहाँ पे, मतलब आज भी मुझे वैक्सीन नहीं मिलने वाली है, और ये तो अब हद ही हो गई है। और अभी 11:30 बज रहे, फिर भी यहाँ के लोग अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए, और मैं अभी काफ़ी गुस्से में हूँ, और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी तरह से खाना खा के आ चुकी थी, और काफ़ी जल्दी भी नहीं आए, लेट भी नहीं आए, फिर भी वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब तो ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लूँ ही ना, काफ़ी डिस्टर्ब हूँ मैं आज। गाइज, ये देखिए ममा के घर के बाहर का व्यूज़ है, मतलब ये फ्रंट व्यू है, और यहाँ से सनसेट कितनी प्यारी तरह से दिखाई देता है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना सन। मेरे बालकनी से देख रही हूँ मैं यह नज़ारा, और आप भी देख लीजिए कि कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, और मुझे सनसेट देखना काफ़ी अच्छा लगता है। कीटी, ए कीटू बच्चू, कीटी, कीटी आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो कीटी? क्या कर रहे हो आप? कीटू आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप घर में? कीटू, कीटू, कीटू आप क्या कर रहे हो? Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed.